महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने कीर्तिमानों की किताब में एक और पन्ना जोड़ लिया। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर 200 मैच पूरे कर लिए। वह आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इस मौके पर धोनी को खास सम्मान भी दिया गया। मैच से पहले सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन ने एमएस धोनी को मोमेंटो भेंट किया, जिसमें माही की तस्वीर बनी हुई थी। इसमें 14 सुनहरे सिक्के भी लगे हुए थे। धोनी ने आईपीएल के 14वें सीजन में चेन्नई की कप्तानी की है। 2016-2017 में चेन्नई की टीम पर बैन लगा था। इस दौरान धोनी ने एक सीजन पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने एमएस धोनी ने टीम को 9 बार फाइनल में पहुंचाया और 4 बार चैंपियन बनाया। एमएस धोनी ने टॉस के बाद रवि शास्त्री से बात करते हुए कहा कि काफी अच्छा लग रहा है कि 200वीं बार मैं टीम की कप्तानी कर रहा हूं। हमने पुराने स्टेडियम में शुरुआत की थी, ये बहुत गर्म और उमस भरा था, लेकिन नया स्टेडियम ऐसा है जैसे हम स्विट्जरलैंड में खेल रहे हैं। सभी दर्शक कमाल के हैं, धोनी ने कहा। हमने क्रिकेट को बदलते हुए देखा है। काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इतने ज्यादा समय तक टिक गया। T20 फॉर्मेट भी काफी तेजी से बदल रहा है। बता दें कि एमएस धोनी के बाद रोहित शर्मा का नंबर है, जिन्होंने 146 मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है। वहीं विराट कोहली ने 140 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई की। वहीं गौतम गंभीर ने 108 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी भी संभाली।